नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 को देखने वाले हैं। अभी तक जितने भी टेस्ट इससे संबंधित आ चुके हैं प्लीज उन्हें जाके देख लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है उनको रिवाइज कर सके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। एग्जाम नजदीक आ चुका है और अपने आप को तैयार कर लीजिए और इस तरह से निरंतर हमारे चैनल पे बने रहें ताकि आप निरंतर अपना अभ्यास बनाए रखें। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। 1857 के विद्रोह से संबंधित है ये। राजनीतिक कारण ब्रिटिश शासन का अनुपस्थित संप्रभुता चरित्र, सैन्य कारण भारतीय जनता के सामाजिक धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, आर्थिक कारण पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों गलत है ये देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता के सामाजिक धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के समक्ष यहाँ पर देखेंगे सैन्य कारण नहीं बल्कि क्या है, राजनीतिक कारण होगा यहाँ पर। तो ये कथन हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत था। यहाँ पर क्या होगा, राजनीतिक कारण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1844 ईस्वी में शुरू हुए सावंतवादी विद्रोह के महत्वपूर्ण विद्रोह में से नहीं था? सुवाना निकम, दीनबंधु संतरा, दाजी लक्ष्मण, हर सावंत डिंग नेकर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो सावंतवादी विद्रोह में महत्वपूर्ण विद्रोहियों में ये नहीं थे। आगे समझते हैं क्या है, देखेंगे आप जो सावंतवादी विद्रोह हुआ था कब से कब तक हुआ था ये आप देखेंगे 1844 से 59 तक ये चला था आपका। देखिए इसमें उत्तरी कोंकण तट फोंड सावंत, फिर देखते हैं सुवाना निकम, दाजी लक्ष्मण और हर सावंत डिंगनेकर इस विद्रोह के महत्वपूर्ण विद्रोही थे। स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, जैसे मोहम्मद शाह 1719 से लेकर कब से कब तक का था ये, 48 तक का। वहीं अहमद शाह की को देखें तो 1748 से लेकर 1754 तक। इसके बाद देखते हैं शाहजहां तृतीय 1754 से लेकर कब से कब तक का था, देखेंगे आप यहाँ पर, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर आपको होगा कि 1700 यहाँ पर 58 होगा, ठीक है, 1758 से लेकर आप देखेंगे कि 1759 की बात की गई है यहाँ पर। इसके बाद आप जो आलमगीर द्वितीय है उनका शासनकाल अगर हम देखें तो 1754 से लेकर 1758 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सही क्रम क्या होगा इसका, तो देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर तीसरा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारतीय वस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्य उद्देश्य के लिए करने की अनुमति दी गई थी और वस्तियों के किलेबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? देवगांव की संधि, एक्सला चैपल की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, पेरिस की संधि। देखिए पेरिस की संधि कब हुई थी, 1763 ईस्वी में हुई थी। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आंगल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो तीसरा आंगल मैसूर युद्ध के दौरान इस श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अन्य मैसूर युद्ध की बात की जाए तो देखिएगा जरा, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1767 से लेकर 1769 के दौरान। आप देखेंगे कि इस प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि, दूसरे आंगल मैसूर युद्ध के बाद आप देखते हैं मैंगलोर की संधि, और तीसरे का मैं आपको बता चुकी हूँ, चौथा आंगल मैसूर युद्ध के बाद आप देखेंगे तो मैसूर पर ब्रिटिश सेना ने विजय प्राप्त की थी। इसका हम समय काल देखें तो दूसरा आंगल मैसूर युद्ध का समय काल क्या होगा, 1779 to 1784, और तृतीय आंगल मैसूर युद्ध की यदि बात की जाए तो देखते हैं 1790 से 1792,
इसके बाद देखेंगे चौथा एंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 के दौरान। ठीक है, स्पष्ट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फरवरी 1804 में लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को मिला लिया गया था, जयपुर, माचेरी, सिंधिया या भरतपुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सिंधिया को मिला लिया गया था। ठीक है, इसमें देखिए ईयर्स आपको समझने होंगे, जैसे सिंधिया को कब मिलाया गया था, फरवरी 1804 में, जयपुर को यदि देखे तो 1818 में, और मचेरी को यदि देखा जाए तो इनको भी 1818 में, और भरतपुर को भी 1818 में मिला लिया गया था। 1804 में किसको मिलाया गया था, सिंधिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए लॉर्ड ऑकलैंड यहाँ पर नहीं होगा, लॉर्ड एलनबरो भी नहीं है, लॉर्ड डेलॉजी भी नहीं, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। तो फिर कौन होंगे यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात की जा रही है शासनकाल के दौरान, देखेंगे लॉर्ड कनिंग जो है, लॉर्ड कनिंग जो गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। यदि अब लॉर्ड कनिंग की बात की जाए तो उनके शासनकाल कब से कब तक का था, 1856 से 1857 तक का इनका शासनकाल देखा गया है। राधाकांत देव ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी, सेवा सदन बम्बई, धर्मसभा कलकत्ता, देव समाज लाहौर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1830 में धर्मसभा की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, 1830 यहाँ पर है। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वनावली, हिसार हरियाणा, रंगपुर लोथल गुजरात, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, रोपड़ पंजाब पाकिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्यों। आप देखेंगे ये जो रोपड़ की बात की जा रही है वो पंजाब पाकिस्तान के पंजाब की नहीं, बल्कि भारत में जो पंजाब है उसके बारे में यहाँ बोला गया है, ना कि पाकिस्तान के पंजाब के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण पारिस्थितिकी अशांति को बताया था, फेयरचाइल्ड, एमएस वत्स ने, डीपी अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, फेयरचाइल्ड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग सभी प्रकार के खाद्यान्नों की खेती के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, दैमावाद, मालवा, नवदा टोली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवदा टोली। आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्यों के मूल निवास से संबंधित भारतीय सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद से प्राप्त भौगोलिक विवरण निम्नलिखित में से किस राज्य के भूगोल से मेल खाता है, तो किससे मेल खाता है, पंजाब से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो सामवेद की संहिताएं, धर्मशास्त्र, अरण्यक और ब्राह्मण। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, धर्मशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में फैला हुआ था, देखिए अवंती, मत्स्य, कुरु या पांचाल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि मत्स्य। इसकी राजधानी अगर आप देखें तो विराटनगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस शासक ने दो समुद्रों के बीच की भूमि अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय प्राप्त की थी, ऑप्शंस देखते हैं, बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि बिंदुसार। तो दो समुद्रों के बीच की भूमि अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर विजय किसने प्राप्त की थी, किस शासक ने, बिंदुसार ने। आगे बढ़िए। काल गुरली और कूल गाड़ी क्षेत्रों में सोने का सबसे बड़ा भंडार है, ये क्षेत्र डैश ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो कहाँ पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़िए। राजस्थान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो कौन होगा, जैसलमेर होगा, राजस्थान का कौन सा जिला देखेंगे, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। आगे बढ़िए। क्या है अगला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झारखंड राज्य में नहीं है, तो इसमें देखेंगे बोकारो, धनबाद, रानीगंज, झारिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रानीगंज। ठीक है, ये देखेंगे कहां पर है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, झारखंड में नहीं है।
आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? स्थानांतरण कृषि से संबंधित, रिलेटेड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कृषि उत्तर पश्चिम भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका मलेशिया और लदांग अगर देखें तो ब्राजील। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है जो सही तरह से सुमेलित है, वो है ऑप्शन बी, बाकी के गलत है। क्यों? देखेंगे जो झूम कृषि है वो उत्तर पश्चिम भारत में नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है, और रोका मलेशिया से नहीं बल्कि ब्राजील से संबंधित है, और लदांग देखेंगे ब्राजील से नहीं बल्कि मलेशिया से संबंधित है। तो रोका ब्राजील से संबंधित है और लदांग मलेशिया से संबंधित है, और झूम कृषि उत्तर पश्चिम भारत से नहीं उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष को सामान्यतः शीतोष्ण सदाबहार वन का सामान्य वृक्ष माना जाता है? तो ऑप्शन क्या दिए गए, महोगनी, आवनूस, चीड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये सदाबहार वन जो है सामान्यतः वृक्ष माने जाते तो वो चीड़ है। ऊपर के महोगनी और आवनूस की यदि बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय वन से संबंधित ये वृक्ष है, ना कि शीतोष्ण सदाबहार वन के सामान्य वृक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घास स्थल शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? कंपोज, पंपास, प्रेरी, स्टेपी। देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। क्यों? ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। यदि अन्य की बात की जाए जैसे पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी देखेंगे कहाँ पर आप देखेंगे, ये आप देखेंगे कि उत्तर दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय है, और स्टेपी कहाँ है, मध्य एशिया में देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा टर्म गर्म मरुस्थल को दर्शाता है? तो आप देखेंगे इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, BWHW यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम व्याख्या से और समझते हैं। जैसे देखिए भारत के जो जलवायु प्रदेश में कोपेन जलवायु का वर्गीकरण है ना, कुछ इस प्रकार से, जैसे AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, AMW मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन है। AS क्या है यहाँ पर, मानसून विद ड्राई समर है, यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है। और CWG की यदि बात की जाए तो मानसून विद ड्राई विंटर, दैट मीन्स शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून का एक प्रकार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है वर्ग किलोमीटर में? तो किसका सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, वो है माही का। इसका वर्ग किलोमीटर यदि देखा जाए तो 34,884 वर्ग किलोमीटर है, बाकी नदियों की अपेक्षा काफी अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आगे देखते हैं। दामोदर नदी, महानंदा नदी, रामगंगा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे फिर कौन सी नदी है ऐसी, यहाँ पर जो है कि कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है, वो है शारदा या सरयू नदी है। ठीक है, अब भारत नेपाल जो आप देखेंगे सीमा पर इसे काली या चाइक कहा जाता है, किसको, शारदा या सरयू नदी को, स्पष्ट हो रहा है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं आज का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के डैश जिले में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है, भदोही, महोबा, हरदोई, बलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महोबा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मॉन्ट्रियल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। तो इस प्रश्न में कौन सा सही तरह से सुमेलित है देख लेते हैं, वो है ऑप्शन सी, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम रोम में ही है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यदि बात की जाए तो वॉशिंगटन DC में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए तो ये जिनेवा में है, और यदि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की बात की जाए तो कहाँ पर अवस्थित है, मॉन्ट्रियल में है ये। ठीक है,
आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करा तो ये भी इसमें पाया जाएगा, इसमें प्रकाशित होता है, ये भी इसके द्वारा, भ्रष्टाचार भी इसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात करा है, जबकि ये इसके द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि किसके द्वारा जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है किसके द्वारा प्रकाशित इसको किया जाता है, तो बताइएगा आप हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमें ये सही मिलान करना है, शास्त्रीय नृत्य है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर स्टेट्स दिए गए, जैसे भरतनाट्यम के सामने उत्तर प्रदेश, कथक तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, और ये उसका यहाँ पर क्या दिया गया है, कूट दिया गया है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा। भरतनाट्यम कहाँ का अगर देखा जाए नृत्य है तो वो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आप देखेंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, स्पष्ट हो गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करें, मूल राज्य और उसके लोक नृत्य दिए गए हैं, यानी कि स्टेट ऑफ ओरिजिन और फोक डांसेस दिए गए हैं, हरियाणा हिकात, हिमाचल प्रदेश छपेली, जम्मू और कश्मीर गिद्दा, पंजाब फाग। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे ऐसे समझेंगे, हरियाणा का जो लोक नृत्य है वो क्या है, फाग है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, छपेली है, और यदि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हिकात है इसका लोक नृत्य, और पंजाब का क्या है, गिद्दा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1773 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए जो ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, तो 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। चलिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मिशनरियों को लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी गई थी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार M.N. रॉय द्वारा रखा गया था, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कथन आपके पूरी तरह से करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, भारत के राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। क्यों, दूसरा तीसरा तो करेक्ट है, पहला गलत है, क्यों? देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 24 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, बल्कि 22 जुलाई कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। सर V.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, H.V.R. अयंगर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, और व्यूह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, व्यूह हर राम मनोहर सिन्हा संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे, प्रेम विहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, जो हम कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बताना जो गलत है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर गलत है। कैसे, समझिए, संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूप कौन था यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या होगा, एस एन मुखर्जी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता की थी, KT शाह, हुमायूं कबीर, KM मुंशी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो किसने इस समिति की, किस विशेषज्ञ ने इस समिति की अध्यक्षता की थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। संविधान सभा के सत्र के अनुसार सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अनुसार। पहला सत्र 1947, दूसरा सत्र 1947, देखिए चारों ही सत्र 1947 यहाँ पर दिया गया है। तो पहले सत्र के दौरान संविधान सभा के सत्र यहाँ पर गलत दिया गया है, क्यों आप देखेंगे। पहला सत्र जो हुआ था 1946 दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में कब, 9 से 23 दिसंबर आप देखेंगे 1946 में इसका पहला सत्र हुआ था। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, यहाँ पर देखिएगा रूसी संविधान से क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, आयरिश संविधान से समवर्ती सूची, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, यानी कि दूसरा गलत है, बाकी के ऑप्शन करेक्ट है। समझिए क्यों, आयरिश के संविधान से हमने समवर्ती सूची की बात जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ना कि आयरिश के संविधान से लिया है। बाकी के ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किस विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या, भाग 3 के अंदर किस विषय के प्रावधान है, मौलिक अधिकार के हैं भाग 3 के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 1 के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें नागरिकता तो भाग 2 के अंतर्गत आता है, और मौलिक कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है, आप हमें बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 62वां संशोधन अधिनियम 1989, 63वां संशोधन अधिनियम 1989, 64वां संशोधन अधिनियम 1990। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख राज्य सूची में नहीं किया गया है, मादक पेय पदार्थ, डाकघर बचत बैंक, मछली पालन, निखात निधि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जो इसमें शामिल नहीं किया गया है सूची में, तो वो ऑप्शन बी है, यानी कि डाकघर बचत बैंक को नहीं किया गया है। तो इसको किस की सूची में शामिल किया गया, कौन सी सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय है, स्पष्ट हो गया है। बाकी के राज्य सूची के विषय है आपके, ये आपका किसका है, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय हो जाता है ये। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को डैश संशोधित किया जा सकता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, राज्यों की सहमति द्वारा, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, विटामिन B2, बायोटीन, विटामिन B3, नियासिन, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, विटामिन B7, पायरीडॉक्सिन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित जो है वो है ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन देखिए क्या है, विटामिन B2 आप देखेंगे वो किससे संबंधित है, वो आपका राइबोफ्लेविन से संबंधित है, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं राइबोफ्लेविन से संबंधित है। वहीं देखेंगे विटामिन B6 किससे संबंधित है, पायरीडॉक्सिन से संबंधित है, विटामिन B7 बायोटीन से संबंधित है। क्लियर हो गया है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायमिन की कमी से होता है, बेरीबेरी रोग, पेलाग्रा रोग, किलोसिस रोग और रुधिर क्षीणता रोग। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमिन की कमी के कारण बेरीबेरी रोग होता है। यदि हम अन्य रोगों की बात करें तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण, किलोसिस रोग राइबोफ्लेविन की कमी के कारण, और रुधिर क्षीणता पायरीडॉक्सिन के कारण होता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है, बिल्ली, चिंपैंजी, मानव और कुत्ता। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि इसमें किसके पास कितना गुणसूत्र होता है, इनके गुणसूत्रों की संख्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्णक के कारण पपीते में पीला रंग होता है, कैरी कैक्सेंथिन, सोलेनिन, कैप्सेंथिन या फिर एंथोसाइनिन के वजह से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैरी कैक सेंथिन के कारण पपीते में पीला रंग होता है। यदि हम अन्य की बात करें वर्ण की तो देखेंगे सेलोनिन जो है वो आलू के हरा रंग का कारण क्या होता है, सेलोनिन इसका कारण है। कैप्सेंथिन की बात करें तो मिर्च में लाल रंग, और हम इसके एंथोसाइनिन की बात करें तो गाजर में लाल रंग पाया जाता है। मोलीविडेनम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, मटर में मार्श रोग, धान में खैरा रोग, फूल गोभी में विप टेल रोग, और अगर बात करें नींबू में लिटिफ लीफ रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिएगा मटर में मार्श रोग मैग्नीज
और धान में खैरा रोग जस्ता और नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? कॉपर, कॉपर की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? खाने योग्य भाग या पौधा, तना, गन्ना, जड़, आलू, पत्तियां, पालक, फूल, पत्ता गोभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखेंगे जो जड़ है वो आलू जो है वो तना है, ना कि जड़ है, तो बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी ग्लूटस मैक्सिमस है। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक तंत्रिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी अयोटार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका देखेंगे क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पूरी तरह सही सुमेलित है। यदि हम मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो क्या होगी वो, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एओटा हो जाएगा। ठीक है, एओटा है। इसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी क्या होगी, ग्लूटस मैक्सिमस हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या दिया गया, इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है, जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर, अनुवांशिकी के जनक रॉबर्ट कोच है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक एंटोनी वेन होयक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा जो करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्यों, देखेंगे आप, ये जो अनुवांशिकी के जनक है वो रॉबर्ट कोच नहीं बल्कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए मुख्य रूप से BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? डिप्थीरिया, तपेदिक, टेटनस और इसके बाद देखेंगे काली खांसी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तपेदिक। तपेदिक मतलब समझ रहे ना, ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग अनाज, सब्जियों, मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किया जाता है? जैसे देखेंगे सीजियम 137, फास्फोरस 32, गामा किरणें, इसके बाद कार्बन 14। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गामा रेजेस, यानी कि गामा किरणें, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सहसंयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, हाइड्रोजन ऑक्साइड, फास्फीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फास्फोरस। कार्बन डाइऑक्साइड की देखा जाए तो आप देखते हैं संरेखीय है ये। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड को यदि हम देखें तो देखेंगे ये कोणीय है। इसके बाद हम देखते हैं फॉस्फीन की यदि बात की जाए तो पिरामिड है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? झारखंड, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, हरियाणा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, दिल्ली सलीम अली पक्षी अभयारण्य, उड़ीसा नलवाना पक्षी अभयारण्य। यहाँ पर वर्ल्ड सेंचुरी की बात की गई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों, देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य दिल्ली में ना होकर कहाँ पर है, ये गोवा में है। ठीक है, आगे देखिए, अचान कमार, अमरकंटक, जैवमंडल, आगार मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में विस्तृत नहीं है? अनूपपुर, डिंडोरी, विलासपुर या कोरबा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोरबा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, खानवा का युद्ध। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसको समझने से पहले इसका ईयर देख लेते हैं। जैसे घाघरा का युद्ध 1529, इसके बाद चौसा का युद्ध यदि देखें 1539 और कन्नौज का युद्ध देखें तो 1540, इसके बाद खानवा का युद्ध देखें तो 1527। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, राजवंश और दूसरी तरफ राजधानियां हैं। जैसे शिशुनाग राजवंश, पाटलिपुत्र, शुंग राजवंश, वैशाली, राष्ट्रकूट राजवंश, मानखेत और सेन राजवंश लखनौती है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, देखिए शिशुनाग राजवंश वैशाली, इसके बाद शुंग राजवंश पाटलिपुत्र और राष्ट्रकूट राजवंश मानखेत और सेन राजवंश लखनौती। तो इस प्रश्न का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुमारगुप्त निम्नलिखित में से किस शासक का पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुरुगुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। महर्षि कणाद निम्नलिखित में से किस दर्शन के समर्थक थे? वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि वैशेषिक दर्शन के ये जो है वो समर्थक थे महर्षि कणाद। अन्य की बात की जाए जैसे सांख्य दर्शन के महर्षि
आप देखेंगे कपिल, इसके बाद मीमांसा दर्शन के जो समर्थक थे वो कौन थे, महर्षि जैमिनी, और वेदांत दर्शन के समर्थक कौन थे, महर्षि व्यास थे, वैशेषिक दर्शन के कौन थे, महर्षि कड़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे छोटा था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक का था, 1556 से लेकर आप देखेंगे 1605 तक का था। जहांगीर का शासनकाल की बात की जाए तो 1605 से लेकर के 1627 तक का था। शाहजहां के शासनकाल देखा जाए 1628 से लेकर के 1658 था। वहीं औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के कब से कब तक का था, 1707 तक का था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम निम्नलिखित में से किस शब्द समूह को मुगल काल के दौरान विदेश मामलों में के विभाग के रूप में जाना जाता था। दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसाल, रसालत मुहा तसिव, इसके बाद दीवाने वरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दीवाने रसालत मुहा मुहतासिव, ठीक है, विदेशी मामलों के विभाग के रूप में यह जाना जाता था। आइए बाकी के सबके जो ऑप्शन दिए गए उनको भी हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए बाकी के देखिए क्या है, दीवाने वजारत की बात की जाए तो राजस्व और वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज अगर हम देखते हैं इसमें तो देखेंगे दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग। दीवाने रसालत मुहातसिफ की बात करें तो आपको पता चल गया है। दीवाने वरीद की यदि बात करें तो खुफिया विभाग से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, दीवाने रिसालत वकाया विभाग, दीवाने काजा ए ममालिक न्याय विभाग, दीवाने इश्तियाक अपील विभाग, दीवाने मुस्तखराज पेंशन विभाग। इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही सुमेलित दिया गया, बाकी के सही नहीं है, समझिए। दीवाने रिसालत जो है वो अपीलीय विभाग है, ठीक है, अपील विभाग है। यदि हम बात करें दीवाने इश्तियाक तो वो किस संबंधित है, वो पेंशन विभाग है। मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज क्या है, बकाया विभाग है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आदिलाबाद का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक, काली मस्जिद, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांपना नगर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमें ये देखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों देखिए यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर क्यों सही सुमेलित नहीं है, ये जो मोहम्मद ये काली जो मस्जिद है ना, काली मस्जिद की बात करें तो खाने जहान जुनैन शाह के द्वारा इसको जो है वो बनवाया गया था, जबकि बाकी के ऑप्शंस आपके पूरी तरह यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इब्न बतूता कब आया था, 14वीं शताब्दी में, ये 14वीं शताब्दी में आया था। मार्को पोलो देखेंगे आप 13वीं शताब्दी में आए थे। इसके बाद देखते हैं जो अल मसूदी थे वो 10वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है, और अल किसकी, अल मसूदी, अल बरूनी बात की जाए तो 11वीं सदी में ये आए थे, ठीक है। कब आए थे अल बरूनी, 11वीं सदी में आए थे। अब इसमें से सही क्रम क्या होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही क्रम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का हमारा, कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 1595 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में मिला लिया गया था, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और वीदर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बरार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में UPI 123 पे नाम के फीचर फोन के लिए UPI लॉन्च किया है। PM मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन डिजी साथ ही लॉन्च किया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि पहला ठीक है दूसरा गलत है, क्यों समझिएगा। यहाँ पर RBI PM मोदी नहीं होंगे बल्कि RBI गवर्नर शक्तिदास ने डिजिटल भुगतान के लिए हाल ही में एक 24x7 हेल्पलाइन डिजी साथ ही लॉन्च किया है, ना कि PM मोदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य सरकार ने हाल ही में बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेशनल एयरलाइंस जल्द ही अपनी उड़ानों को बिजली देने में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। इसमें देखेंगे स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, डच इंटरनेशनल एयरलाइंस, स्पैनिश इंटरनेशनल एयरलाइंस, नॉर्वेजियन
इंटरनेशनल एयरलाइंसेज। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में लॉन्च किया गया है? नासिक, ठाणे, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा समझिए क्यों है। देखेंगे कि हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। इन सभी जो ऑप्शन है उसमें लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि नागपुर महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया है। किस बैंक लिमिटेड को हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सहायता स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है? बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको के किस शहर को हाल ही में वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे ओजले द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्वाडल द्वारा इसमें करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत ने हाल ही में बिहार के डैश में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश लिया है? भागलपुर, किशनगंज, बेगूसराय या भोजपुर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी, यानी कि भोजपुर में। यहाँ पर क्या होगा? भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ इतने झंडे लहराकर जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर उसमें अपना प्रवेश दर्ज कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का हमारा? भारत के पहले मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 विमान ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के मध्य अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है? सिक्किम, मिजोरम, असम? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों है, समझ लेते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखेंगे कि भारत के पहले मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 विमान ने हाल ही में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ से मध्य अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भर दी है। आइए आगे देखिए अगला प्रश्न। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले जैविक अवशिष्ट संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में निम्नलिखित किस शहर में किया गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों है? देखिए, यहाँ पर जो उद्घाटन हाल ही में किया गया है वो केशव राव खड़े मार्ग मुंबई में किया गया है, इन शहरों में नहीं किया गया है। चलिए, कहाँ किया गया है, समझ गए ना? केशव राव खड़े मार्ग मुंबई में किया गया है। आगे देखिए, फिलीपींस के मनीला में हाल ही में आयोजित कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में निम्नलिखित में से किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है? जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और भारत? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भारत को इसमें चुना गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। 7 दिसंबर 1992 को झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया है। हाथी को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 दिसंबर 1992 को झारखंड यहाँ पर, यानी कि ये जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं, गलत नहीं है। केरल राज्य के डैश जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए 1973 में साइलेंट वैली आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पलक्कड़, अलाप्पुझा, इसके बाद कोट्टायम और वायनाड? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा यहाँ पर क्या है, इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय वन नीति 1998, वन जीव संरक्षण नीति 2002, खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति 1998 करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपका खाद्य सुरक्षा मानदंड अधिनियम जो है वो 2006 है, ना कि 2008 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। भारत में सबसे उत्तरी रामसर स्थल बुलर झील, सबसे पूर्वी रामसर स्थल लोकटक झील, भारत के से सबसे पश्चिमी रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, और उसके बाद भारत में सबसे दक्षिणी रामसर स्थल
सस्थम कोटा झील है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। क्यों? देखिए यहाँ पर जो आपको दिया है ना, भारत में सबसे दक्षिणी रामसर स्थल है वो अष्टमुड़ी झील है, ये नहीं है बल्कि क्या है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अष्टमुड़ी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ब्लू फ्लैग समुद्र तट और राज्य दिया गया, घोगला समुद्र तट दमन और दीव, पदुविद्री समुद्र तट तमिलनाडु, ऋषिकोंडा समुद्र तट आंध्र प्रदेश, राधानगर समुद्र तट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर गलत दिया गया है। क्यों, समझ लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पदुविद्रि जो समुद्र तट है ये कर्नाटक में है, ना कि तमिलनाडु में है। क्या है ये? कर्नाटक राज्य में स्थित है ब्लू फ्लैग समुद्र तट। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाले शीर्ष तीन राज्यों का चयन करना है। देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर, हरियाणा पंजाब राजस्थान, हरियाणा पंजाब गुजरात, हरियाणा राजस्थान जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे कि हरियाणा पंजाब जम्मू एंड कश्मीर राजस्थान और गुजरात, कुछ इस तरह से इसका क्रम रहेगा। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात शीर्ष तीन राज्यों का चयन इस प्रकार से होगा। इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्यों का चयन करें। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। फिर यदि हम इसकी अलग की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर इसको समझने के लिए इतना सफिशियंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, फिर देखेंगे कर्नाटक और फिर हमारा आता है झारखंड। क्लियर है। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बांस आच्छादित क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से राज्य पहले स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एमपी। यहाँ देखेंगे एमपी प्रथम स्थान पर, जबकि अरुणाचल प्रदेश द्वितीय और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार अरहर तूर के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, कॉफी के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान कर्नाटक का है, कपास के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, मक्का के उत्पादन राज्य का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। क्यों ऐसा बोला गया, मक्का के उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान किसका है, कर्नाटक का है, ना कि मध्य प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में सातवें स्थान पर है। तो किस में सातवें स्थान पर है भारत, आप देख लेते हैं कि मक्का में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम खनिज डेटा 2022 से संबंधित निम्नलिखित का सही मिलान करना है। प्रथम राज्य दिए गए हैं यहाँ पर, यूरेनियम छत्तीसगढ़, जिंक राजस्थान, टिन राजस्थान, चांदी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए कुछ इस तरह से देखना होगा, जैसे यूरेनियम क्या है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यहाँ पर जो प्रथम स्थान है यूरेनियम में आंध्र प्रदेश का है। जिंक देखेंगे तो वो राजस्थान से संबंधित है, टिन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से, जबकि चांदी राजस्थान से ही। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प जो है वो चयन करना, जो सही तरह से सुमेलित नहीं है। भारत का स्थान के उत्पादन में देखेंगे सही तरह से सुमेलित इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी, यानी कि सीमेंट में भारत का तीसरा स्थान नहीं है, बल्कि आप देखेंगे जो अगर तीसरे स्थान की बात की जाए तो देखिए इसको इस तरह से समझिए, भारत का पांचवा स्थान जो है वो बॉक्साइट में है, क्लियर है। दूसरा स्थान इसमें देखते हैं, दूसरा स्थान जो है वो सीमेंट में है, ठीक है, और दूसरा स्थान कोयला में भी है, चौथा स्थान लौह अयस्क के उत्पादन में है। स्पष्ट हो गया है। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल विद्युत की स्थापित क्षमता में सबसे अधिक है, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड, इस पहले उत्तराखंड आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा, तीसरे में क्या आएगा, कर्नाटक आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्यों का चयन करना है। तो वो तीन राज्य कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इसके बाद की यदि बात की जाए तो एमपी भी इसमें होगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 से संबंधित है। तो कुल शहरी जनसंख्या का लिंगानुपात इतना है,
कुल ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1037 है, कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 1020 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनकी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन्म के समय लिंगानुपात से नीचे दर्ज नहीं किया है, 880, 870, 890, 860। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 880। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में मृत्यु दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और असम। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बिहार। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पलवल, सबसे अधिक नगरों वाला जिला अंबाला, सबसे कम नगरों वाला जिला फरीदाबाद। तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, हरियाणा राज्य के संदर्भ में प्रथम गठित जिला जींद, गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जींद, गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हिसार, राज्य का क्षेत्रफल लगभग पड़ोसी देश में क्षेत्रफल के बराबर है म्यांमार। तो इसमें गलत कौन सा यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। क्यों देखेंगे, म्यांमार में नहीं बल्कि आप देखते हैं भूटान यहाँ पर है, राज्य का क्षेत्रफल पड़ोसी देशों के क्षेत्रफल के बराबर है, वो है भूटान। तो यह है अगला प्रश्न है, भारत वर्ष 1907 में पहली बार निम्नलिखित में से किसने अलग हरियाणा राज्य की मांग की थी, तो किसने की थी, लाला लाजपत राय ने, और इसके साथ साथ किसने की थी, और अरुणा जो है असफ अली ने जो है इसकी मांग की थी, इसकी मांग हरियाणा राज्य की अलग होने की मांग की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज के। पंडित नेकी राम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू किया था, तो किस जिले से शुरू किया था, भिवानी से शुरू किया गया था। आइए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, 2 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला की घोषणा की गई, सच्चर फार्मूला के अनुसार पूर्वी पंजाब को पंजाबी भाषा और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन ठीक है हमारे। अगला प्रश्न देखिए, 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित और स्थापित करने के लिए न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की थी, तो इस प्रश्न में 1965, 1964, 1963 में जबकि नहीं की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, 23 अप्रैल 1966 को यहाँ पर की गई थी। चलिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला, राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सिरसा, राज्य का सबसे पूर्वी जिला नूह, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला यमुनानगर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो पूरी तरह सही है, माफी चाहती हूँ, पूरी तरह सही है, बाकी की गलत है, समझिए कैसे। राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सिरसा नहीं बल्कि नूह है, क्या है, नूह है, और राज्य का सबसे पूर्वी जिला नूह नहीं है बल्कि यमुनानगर है, ठीक है। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो वो क्या है, सिरसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार तो घरेलू उपभोक्ताओं पर को सब्सिडी युक्त टैरिफ के लिए 483 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 1879 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन हमारे पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन 10 भी करेक्ट है, ऑप्शन 100 भी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए अब देखिए, सारी सीरीज को आज हमने यहाँ पर टेस्ट, जो आज का टेस्ट था, पूरा कंप्लीट कर लिया है 100 क्वेश्चन। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो और भी जो टेस्ट सीरीज जो आने वाले समय में भी आती रहेंगी, आप उससे कनेक्टेड रहेंगे और अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें संभव होंगी एग्जाम में। तो अभ्यास बनाए रखिए और निरंतर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को जमकर करें। चलिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय।